नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके बेटा, वी आर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, राइट बेटा। और हम लोग अभी 7 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, विल गो फॉर द 8th वन। लेट्स गो फॉर द 8th वन। If integration from 1 to a of 3x square minus plus 2x plus 1 dx is equal to 11, find the value of a. I'll write down the question, beta. I is equal to 1 to a of 3x square plus 2x plus 1 dx, and this is equal to 11. Find a. तो सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर का, थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बेटा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और वन का एक्स फ्रॉम वन से लेके ए तक, दिस इज इक्वल टू 11। थ्री गेट कैंसिल, टू ऑल्सो गेट कैंसिल। नाउ व्हाट वी डू, सबसे पहले तो अपन ए सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, बाद में वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, करेक्ट, वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 11। तो ये क्या आएगा देखो बेटा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस कितना बेटा, वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन, वन वन प्लस वन प्लस वन दैट इज थ्री इज इक्वल टू 11। तो ये माइनस 11 इधर आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन और इसके फैक्टर्स कैसे करने हैं, ये स्टेट बोर्ड वालों को अच्छी तरह से आता है जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में किया है, क्योंकि वहां पर थी सिंथेटिक डिविजन मेथड। ओके बेटा, सिंथेटिक डिविजन इज वेरी वेरी सिंपल। सीबीएसई बोर्ड के लिए बेटा, यू हैव टू डिवाइडेड बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता है बेटा, उससे ये करके देखना है। नाउ बिकॉज दिस इज 14, वी कैन से इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 7 रह सकते हैं, तो लेट अस चेक वेदर 2 इज अ फैक्टर। तो कैसे करते बेटा, 2 विल बी द डिवाइजर, और अंदर क्या करते बेटा, इनके कोएफिशिएंट लिखते, ए क्यूब का कोएफिशिएंट 1, ए स्क्वायर का 1, ए का 1 और ये माइनस 14, दिस इज द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये क्या आएगा बेटा, 1 को एज इट इज लिखेंगे अपन, 1 टू जार 2, इधर क्या आएगा बेटा, 3 टू जार 6, ये 3, 3 टू जार 6 वो इधर आ जाएगा बेटा, राइट, 6 प्लस 1 7 आ जाता है बेटा, 7 आएगा बेटा, 7 टू जार 14, बिकॉज द रिमाइंडर कम 0, यू कैन से दैट दिस 2 इज अ फैक्टर। इसका मतलब अपन कैसे लिख सकते बेटा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में ए माइनस 2 आएगा बेटा, इधर प्लस 2 है तो उसका माइनस 2 आएगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 7, तो दिस विल बी द 2 फैक्टर्स। ओके बेटा, तभी इट इंप्लाइज दैट आइदर ए इज इक्वल टू 2 और अभी इसके फैक्टर, अब ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 7 इसके फैक्टर देंगे, तो अपन क्या करेंगे बेटा, पहले चेक करेंगे कि फैक्टर्स है कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी चेक करेंगे, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, 9 माइनस 28 विच इज माइनस 18 माइनस 19 निगेटिव आ गया बेटा, इसका मतलब नो रियल रूट्स, इसको कोई भी रियल रूट्स नहीं है बेटा, सो अपना आंसर क्या आएगा बेटा, ए की वैल्यू आ जाएंगी 2। ओके बेटा, बिकॉज देर आर नो रियल रूट्स फॉर दिस सेकेंड क्वाड्रेटिक ब्रैकेट। ओके बेटा, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। We'll go for the ninth one. 0 to 1, 1 upon root of 1 plus x plus root x dx. ये जो सॉल्व एग्जाम्पल किया ना बेटा अपन ने, सेम वही एग्जाम्पल है, तो अपन इसको वापस सॉल्व करने वाले नहीं है। यू कैन सी द सॉल्व एग्जाम्पल, लेट्स सी द टेंथ वन। टेंथ वन करेंगे बेटा, 1 टू 2, 3x dx upon 9x square minus 1. The tenth one, integration is equal to 3x dx upon 9x square minus 1. Okay बेटा, इसको अपन कैसे लिख सकते बेटा, 3x 9x square minus 1 को कैसे लिख सकते बेटा, a square minus b square, a plus b, a minus b, करेक्ट, तो इसको अपन क्या लिख सकते बेटा, 3x minus 1 and 3x plus 1, करेक्ट ना बेटा, इसको कैसे लिख सकते बेटा, 3x square minus 1 square, a square minus b square, that is a plus b,
a minus b dx, and we have not written down the limits. Limits are from 1 to 2, 1 se leke 2 tak hai beta. Okay, so abhi iska kaise aayega beta? We will solve it by using the partial fraction. Let 3x upon 3x minus 1, 3x plus 1 is equal to a upon 3x minus 1 plus b upon 3x plus 1. Correct ना, ऐसे लिखेंगे ना बेटा अपन. ओके, तो अभी क्या करेंगे बेटा अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो एज इट इज लिखेंगे. यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे, a इंटू 3x प्लस 1, b into 3x minus 1, नीचे 3x minus 1 and 3x plus 1 का product, 3x plus 1 will get cancelled. तो अब क्या करेंगे बेटा अपन? Let x is equal to कितना बेटा? Minus 1 by 3. Minus 1 by 3 लिए तो क्या आएगा बेटा? Minus 1 आएगा, minus 1 plus 1 0 हो जाएगा. Okay, so 3 into minus 1 by 3 is equal to a into direct 0 लिखता हूँ बेटा मैं, प्लस बी इंटू, अब ये 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, 3 3 कैंसिल बेटा, यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 मतलब माइनस 2 बी, विच इंप्लाई दैट बी इज 1 बाय 2, बी की वैल्यू मिल गई बेटा अपने को 1 बाय 2. अब ए की लेंगे, ए के लिए क्या करेंगे बेटा? लेट x इज इक्वल टू प्लस 1 बाय 3 लेंगे, प्लस 1 बाय 3 लिया तो क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. कितना आएगा बेटा? 3 into 1 by 3 is equal to a into, क्या बेटा? 3 into 1 by 3 plus 1 b into 3 into 1 by 3 minus 1, 3 3 cancel, 3 3 cancel, 1 is equal to 3 3 cancel, 1 plus 1 2a, 1 minus 1 is 0. तो a कितना आएगा बेटा? ए भी आएगा 1 बाय 2, दोनों की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1 बाय 2. तो अपना इंटीग्रेशन जो आएगा, इंटीग्रेशन विल बी ए अपॉन मतलब 1 बाय 2 अपॉन कितना बेटा? 3x प्लस 1 प्लस बी अपॉन 3x माइनस 1 dx. करेक्ट, 1 बाय 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, ये कितना आएगा? फ्रॉम कहां से कहां तक बेटा? फ्रॉम 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक. log of 3x plus 1 minus log of 3x minus 1 from 1 से लेके 2 तक, 1 by 2 log of, पहले तो 2 डालेंगे बेटा, 6 plus 1 7 minus log of 6 minus 1 is 5, उसके बाद minus क्या आएगा बेटा? 1 substitute करेंगे, 3 plus 1 4 and 3 minus 1 is 2, ब्रैकेट कंप्लीट. क्या आएगा बेटा? 1 बाय 2 लॉग ऑफ 7 बाय 5 प्लस लॉग ऑफ 4 बाय 2. ओके बेटा, सो दिस विल बी 1 बाय 2 लॉग ऑफ 7 इंटू 4, 5 इंटू 2. करेक्ट बेटा, तो ये आएगा 1 बाय 2 लॉग ऑफ 14 अपॉन 5, log of 14 upon 5. Okay, beta. So this is the required answer. Let's go for the 11th one. Integration of, okay, beta, log x from 1 to 3. dx. आपको पता है बेटा log x का इंटीग्रेशन अपन ने कैसे लिया था बेटा? आपको याद है? इनडेफिनिटी में वे एड इट बाय मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 into log x, log x 1 into log x लिख सकते हैं ना बेटा, dx. ये आ जाएगा u, ये आएगा v. अपने को ये पता है बेटा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, u v dx. क्या है बेटा? u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx. करेक्ट, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx. करेक्ट, तो ये कितना है बेटा? I विल बी u, u कितना है बेटा अपना? 1 इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी उल्टा हो गया बेटा, ये 1 होना, ये v होना चाहिए और ये u होना चाहिए, मतलब
log x integration of 1 dx minus derivative of log x into integration of 1 dx, ठीक है ना। तो ये आएगा log x, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, दिस गेट्स कैंसिल, ये आएगा log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्या आएगा बेटा log ऑफ x इंटू x है बेटा ये माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, ओके बेटा। तो I आएगा log of x into x minus x, कहां से कहां तक है बेटा, from 1 से लेके 3 तक, ओके okay. तो पहले 3 डालेंगे बेटा, 3 log 3 minus 3, और अभी 1 डालेंगे बेटा, 1 log of 1 minus 1, अपने को पता है बेटा 3 log 3 minus 3 minus log of 1 0 होता है बेटा, तो 0 into 1 is 0, minus of minus plus हो जाएगा बेटा, तो यह आएगा 3 log 3 minus 2 will be our final answer, okay बेटा। Okay, start now with the properties of definite integral. Now there are some properties of definite integral and the second exercise is completely based on this property. So let us see the first property. Property 1 is integration from a to b of fx dx, a to a is 0. तो अब देखो बेटा यहाँ पर पहले जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है बेटा, डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिंपल सी बात है बेटा। अभी अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन आया है फाई ऑफ एक्स फ्रॉम क्या आएगा बेटा, ए टू ए, तो क्या आएगा बेटा, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ ए, वो कितना आएगा बेटा, इट विल बी जीरो। So the first property, integration a to a, अगर same number देंगे तो कितना आने वाला है बेटा, वो zero आना है। Let us see the second property, property 2, अब उसमें क्या दिया है देखो बेटा, उसने property 2 में उसने दिया है बेटा, integration a to b of fx is equal to minus b to a of fx dx, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर अपन जो limits है उसको change करते बेटा, change मतलब उल्टा करते हैं, इनफैक्ट उल्टा करते हैं, बी नीचे ए ऊपर, ए बी का बी ए किया बेटा एफ एक्स डी एक्स, तो इनकी वैल्यू सेम रहती है, ओनली द साइन चेंजेस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ओके। इसका मतलब है कि सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा फ्रॉम वन से लेके टू तक कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फ्रॉम वन से लेके टू तक, तो कितना आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 मतलब 3/2, और अगर उल्टा लिया तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से लेके 2 तक मतलब 1 माइनस 4 अपॉन 2 ये आएगा माइनस 3 अपॉन 2, तो सिर्फ साइन चेंज होगी बेटा। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। लेट्स गो फॉर द प्रॉपर्टी नंबर 3, बहुत प्रॉपर्टी बेटा लेकिन अपने को इसमें से कुछ नहीं मिलने वाली है, ओके, इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी प्रॉपर्टी, यस वो अपने को मार्क्स दे सकता है बेटा। अब देखो बेटा थर्ड जो प्रॉपर्टी है, दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये मैं लिखने नहीं वाला हूं, कि अगर अपन ने वेरिएबल चेंज भी किया इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता, इवन इफ यू चेंज द वेरिएबल, एक्स के जगह अपन ने टी लिया तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो चेंज नहीं होता है, ओके। लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन, प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या बता रहे हैं देखो बेटा, ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी फ्रॉम एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी ऑफ एफ एक्स डी एक्स सी टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब देखो बेटा अपन इसको टुकड़े टुकड़े से भी कर सकते, ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू सी, सी कौन सा है बेटा, नंबर विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इन एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा 1, 2, 5 अगर अपन ने एक्स डी एक्स ऐसा लिया बेटा तो ये क्या आएगा बेटा 1 से लेके कोई भी एक बीच में का नंबर 3 ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स से बेटा ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 3 से लेके 5 तक ऑफ सेम, ऐसा टुकड़े टुकड़े से भी अपन कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं बेटा, अगर एफ एक्स सेम है
लिमिट्स 1 to 3, 3 to 5 है, ऐसा है तो वी कैन मेक इट इनटू वन इंटीग्रेशन. द फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज दैट ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स. ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ ऑफ क्या बेटा ए प्लस बी, ये लिमिट दोनों का एडिशन, माइनस एक्स डी एक्स. उसी पर से सिक्स्थ बी प्रॉपर्टी बेटा, जीरो टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दोनों एक जैसे ही है बेटा. लेट्स गो फॉर द सेवेंथ प्रॉपर्टी बेटा, जीरो टू टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स. सेवेंथ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स. तो ये टू है ना बेटा, तो उसका आधा ले सकते हैं अपन, जीरो टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए ऑफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स. ये जो टू है ना बेटा, टू ए माइनस एक्स डी एक्स. ओके ओके. नाउ एट वन, एट वन क्या है देखो बेटा, माइनस ए टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स. माइनस ए टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स. देखो बेटा ए और ये, लेकिन सिर्फ ये माइनस और ये प्लस है, तो ये क्या आता बेटा, इज टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, अगर इवन रहा तो टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू ए, एंड इट इज जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड. इवन फंक्शन नॉट नंबर, ऑड फंक्शन नॉट नंबर. अब ये इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है, पहले अपने को ये देखना है बेटा. नाउ सपोज इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर आ गया बेटा, देन द फंक्शन इज इवन. एंड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन द फंक्शन इज ऑड. ओके बेटा, ये अपने को चेक करना पड़ता है कि वो फंक्शन ऑड है कि इवन है. अगर इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और अगर ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है बेटा. इसमें ये अपने को जरूरी है बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ माइनस एफ एक्स आ गया, ऑड फंक्शन आ गया, तो डायरेक्टली अपन आंसर जीरो ले सकते. अगर इवन आया ना बेटा तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा अपने को, बिकॉज अपने को वैसे भी इंटीग्रेशन लेना है, जीरो टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स लेना है, तो इंटीग्रेशन वैसे भी लेना है. ओके तो अपने को फायदा कब होता है, ओनली इफ इट इज अ ऑड फंक्शन. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. लेट्स गो फॉर द एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज नंबर 6.2 वी विल स्टार्ट विद दिस. पहला जो एग्जांपल है बेटा, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ऑफ माइनस नाइन से लेके नाइन तक, एक्स क्यूब अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके लेट्स सी दिस एक्सरसाइज नंबर 6.2. आई फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस नाइन से लेके प्लस नाइन तक किसका है बेटा, एक्स क्यूब अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके बेटा, अब देखो बेटा माइनस ए टू प्लस है, तो अपना काम है ये देखना है ऑड है के इवन है. चेक करेंगे बेटा एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एक्स क्यूब अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर. एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा बेटा, एक्स के जगह अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एक्स, फोर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर. तो कितना आएगा बेटा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन फोर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर आता है. तो ये क्या आ गया बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. इसका मतलब एज एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन क्या है बेटा, द फंक्शन इज ऑड. और अगर ये ऑड है देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना बेटा, जीरो. डायरेक्ट आंसर जीरो. मैंने बोला ना बेटा अगर ऑड आता है तो ये अपने लिए बहुत इजी हो जाता है. करेक्ट, तो अपने को पहले ये चेक करना है, अगर माइनस ए टू प्लस ए इंटीग्रेशन रहेगा तो अपने को ये चेक करना है ये ऑड है के इवन है. लेट्स गो फॉर द
सेकेंड वन बेटा आई इज इंटीग्रेशन 0 टू ए ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स रेज टू 3/2 डी एक्स। ओके बेटा, अभी माइनस ए टू प्लस ए तो है नहीं, माइनस ए टू प्लस ए तो है नहीं, तो अभी इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये टाइप में ना बेटा वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी नंबर 7, इनफैक्ट 6 वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा। 0 टू ए एफ dx इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एफ ए माइनस एक्स। एक बात और याद रखो बेटा, ये प्रॉपर्टी जो है ना ये बहुत ज्यादा यूज करनी है अपने को, राइट? ओके, वन टू थ्री क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 डी एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। क्यूब रूट कैसा करे, बहुत डिफिकल्ट है? नहीं बेटा,
बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जस्ट सी हाउ डू वी डू इट। तो पहले तो अपन क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा, 1 से लेके 3 तक, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 डी एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 9। ओके बेटा, अभी इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे देखो बेटा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, चुके ना बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके बेटा, वी यूज दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, जो अपन ने पहले यूज की उसके भी पहले की, करेक्ट। ओके, तो फिर ये क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 to 3 ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5, वापस क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 9, माइनस नहीं है बेटा प्लस है, और यहां पर भी गलत लिखा है बेटा, 9 माइनस एक्स है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्वेश्चन गलत लिखा है बेटा अपन ने, 9 माइनस एक्स। ठीक है ना, ओके, इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटा फिर, 1 से लेके 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, 3 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 5। ओके बेटा, नीचे आएगा देखो बेटा, क्यूब रूट ऑफ एक्स की जगह 3 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 5, और यहां पर क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 3 प्लस 1 माइनस एक्स। ओके बेटा, तो कितना हो गया देखो बेटा, ये दिस बिकम्स 1 से लेके 3 तक कौन सा बेटा, क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 5, मतलब 9 माइनस एक्स, यहां पर भी क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और फाइनली क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 4 मतलब 5, माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स प्लस 5 डी एक्स। नाउ दिस इज सेकेंड वन एंड ओरिजिनल इक्वेशन वॉज द फर्स्ट वन। अब देखो बेटा, ये भी आई है, ये भी आई है, दिस इज ऑल्सो आई, दिस इज ऑल्सो आई, एडिंग 1 एंड 2, आई एंड आई कितना आता बेटा, 2i इज इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बेटा, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। देखो बेटा इधर, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, यहां पर भी देखो बेटा, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर सेम है तो अपने को सिर्फ न्यूमरेटर एड करना है। न्यूमरेटर में क्या है बेटा, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5, देखो बेटा इसका क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5, और इसका क्या है, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम आ गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा, सो 2i इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, मैंने लिमिट्स दिया ही नहीं बेटा, अभी लिमिट बाद में देंगे अपन, ये क्या आएगा बेटा, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ डी एक्स आएगा, 2i इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और ये क्या दिया बेटा, लिमिट दिया है उसने, लिमिट दिया है उसने 1 से लेके 3 तक। ओके, तो 2i इज इक्वल टू 3 माइनस 1, पहले 3 डालेंगे बाद में 1 करेंगे, i कितना आएगा बेटा, 2 अपॉन 2 दैट इज 1, आंसर कितना आ गया बेटा, 1। ठीक है बेटा, हर एक प्रॉब्लम जो है ना बेटा, अभी ये इसके जैसा ही है। अब मैं इसको छोटा करके आपको एक बार बताता हूं, बिल्कुल इजी है सब कुछ, इसी तरह से सॉल्व करना बेटा ऑल द प्रॉब्लम। ए की प्रॉपर्टी याद रखो बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स, और फाइनल आंसर चेक करने के लिए एक बात याद करो बेटा, ये टाइप के प्रॉब्लम्स में ये जो 3 है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करो आंसर, तो हमेशा इसी तरह से आंसर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 2 अपॉन 2 1, अपना आंसर भी 1 ही आया। ठीक है, अब मैं ये पूरा नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑलमोस्ट द सेम एज दिस, उस पर से आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएगा, एक बार ये लिख के लो एक 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 स्टेप, राइट। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ वन, सेम प्रॉब्लम बेटा, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स 7 माइनस एक्स।
फिफ्थ वन है बेटा, सॉरी फोर्थ वन है, आई इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। वही प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा अपने को, कौन सी? यूजिंग इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वापर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स है। सो आई क्या आएगा बेटा 2 to 5 एक्स, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स आएगा, मतलब 5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 2 माइनस एक्स, सॉरी 5 प्लस 2 माइनस एक्स रूट के अंदर। नीचे भी वही आएगा बेटा 5 प्लस 2 माइनस एक्स, इधर क्या आएगा 7 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, एक्स की जगह आएगा 5 प्लस 2 माइनस एक्स। ओके तो आई आएगा, देखो बेटा 2 से लेके 5 तक रूट ऑफ 7 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 7 माइनस 5 प्लस 2 7 है, 7 माइनस 7 कैंसल, माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, दिस इज सेकेंड वन। एंड अपना ओरिजिनल इक्वेशन जो था वो था फर्स्ट वन, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बेटा, रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, तो एडिंग 1 एंड 2 आई प्लस आई कितना है बेटा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 तक, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बेटा 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, न्यूमिनेटर भी एड होंगे बेटा, इसका न्यूमिनेटर है 7 माइनस एक्स और इसका है रूट एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा। सो अगेन 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, मैंने बोला ना बेटा बिल्कुल सेम है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx नॉट x dx, वो कितना बेटा फ्रॉम 2 से लेके 5 तक, 2i इज इक्वल टू x फ्रॉम 2 से लेके 5 तक, i कितना आएगा बेटा x की जगह पहले 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3/2, अपन ने देखा था बेटा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3/2 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें क्या बोला, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स, एक बार चेक करेंगे बेटा अपन ने सही लिखा है कि नहीं, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 9 माइनस एक्स 2 से लेके 7 तक। ओके सो लेट अस सी 2 से लेके 7 तक, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, तो i इज इक्वल टू 2 से लेके 7 तक कौन सा यूज करेंगे बेटा अपन, ये 7 प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स, वही फॉर्मूला है जो अपन ने इसके पहले दोनों प्रॉब्लम में यूज किया है, 7 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स की जगह 7 प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके तो i कितना आएगा बेटा 2 से लेके 7 तक रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स, नीचे आएगा 9 माइनस एक्स प्लस ये 9 माइनस 9 कैंसिल होके 0 हो जाएगा बेटा, प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स डी एक्स, दिस इज आवर सेकेंड। देखो बेटा इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो एडिंग 1 एंड 2 i प्लस i कितना आएगा बेटा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 7, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है बेटा 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, देन विल एड ओनली द न्यूमरेटर 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स विच गेट कैंसल, सो 2i विल बी 2 से लेके 7 तक डी एक्स, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों भी क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, 2i डी एक्स का इंटीग्रेशन है x फ्रॉम 2 से लेके 7 तक, i कितना आएगा बेटा x की जगह 2 7 आएगा बाद में 2 आएगा अपॉन 2 विच इज 5/2। ओके बेटा एज सिंपल एज दिस वन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज द 8th वन। 8th वन देखो बेटा क्या दिया है उसने, इंटीग्रेशन
सॉरी सेवेंथ वन करना है अपने को, इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1/(x-1). ओके बेटा, इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1/(x-1) dx। इसको कैसे करते हैं बेटा, 0 to 1 log ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा इसको, 1 - x/(x) dx, करेक्ट ना बेटा, log ऑफ 1 - x/(x) dx। अब इसको कैसे कर सकते बेटा, यूजिंग द प्रॉपर्टी f(x) dx इज इक्वल टू क्या बेटा, f(a-x) dx, 0 to a अगर रहेगा तो 0 to a, तो ये क्या आएगा बेटा, 0 to 1 log ऑफ 1 - x के जगह क्या आएगा बेटा, 1 - x, x के जगह क्या आएगा बेटा, 1 - x अपॉन x के जगह आएगा 1 - x dx। सो I विल बी 0 to 1 log ऑफ 1 and 1 विल गेट कैंसल, -(-+) x/(1 - x) dx। दिस इज आवर सेकेंड, और ये जो था ये था अपना फर्स्ट, एडिंग 1 and 2 एडिंग 1 and 2 i + i कितना आएगा बेटा, 2i 0 to 1 log ऑफ 1 में क्या था देखो बेटा, 1 - x/(x) था प्लस log ऑफ ये क्या है बेटा, x/(1 - x) dx, करेक्ट। तो ये कितना आएगा बेटा, 0 to 1 log ऑफ log a प्लस log b क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 - x/(x) मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा, x/(1 - x) dx, x विल गेट कैंसल, 1 - x विल आल्सो गेट कैंसल, तो ये आएगा 0 to 1 ऑफ log ऑफ 1 dx, log ऑफ 1 कितना है बेटा, 0 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 कितना आएगा, 0, और फाइनल आंसर भी 0 ही रहेगा। ओके बेटा, दिस इज एज सिंपल एज दिस। लेट्स गो फॉर द लास्ट वन, 0 to 1 x/(1 - x)^5। I is equal to integration from 0 to 1 of x/(1 - x)^5 dx. Again, using the same property, integration f(x) dx from 0 to a. 0 to a integration f(a-x) dx आएगा बेटा। तो I क्या आएगा बेटा, 0 to 1 x के जगह क्या आएगा बेटा, 1 - x. 1 - x, x के जगह वही आएगा ना बेटा, 1 - x/(5 dx, करेक्ट। सो I विल बी 0 to 1 1 - x, इधर क्या आएगा बेटा, 1 1 कैंसल, -(-+) ये आएगा x/(5 dx। इफ यू मल्टीप्लाई दिस, I विल बी 0 to 1 1 into x/(5 is x/5 - x/6 dx। ओके बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन कोई भी ले सकता है बेटा, मैं भी ले सकता हूं। ओके, x^6/6 x^7/7 फ्रॉम 0 to 1। अब क्या होगा बेटा, x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो 1^6/6 1^7/7 मतलब 1/6 - 1/7। आई कितना आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 6 नीचे, 7 6 = 42, दैट इज 1/42। Okay, beta. So this completes this problem, this exercise, and this chapter. छोटा सा chapter है beta. Weightage भी काफी कम है, only 5 marks. लेकिन बहुत easy है beta. Because it is that easy, हमने इसको छोड़ना नहीं है. Okay, friends. Bye. In the next lecture, we'll go for the new chapter.